हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। देखिए, प्रायिकता के लिए केवल आपको एक ही फॉर्मूला याद करना, प्रायिकता इज इक्वल टू होता है अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार का मतलब क्या होता है, जरा समझिए। वे प्रकार जो हमारे पक्ष में होते हैं उन्हें कहते हैं अनुकूल प्रकार, ठीक है। और कुल प्रकार वो केस होते हैं जो हमारे पक्ष में भी हों और हमारे पक्ष में नहीं भी हों। जैसे एक कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल होता है, ठीक है। क्या होता है कॉइन में, हेड और टेल। तो ये तो हो गए कुल प्रकार। और हम क्या चाहेंगे जब हम किसी कॉइन को उछालेंगे, या तो हम हेड चाहेंगे या टेल चाहेंगे। मान लीजिए हम हेड चाह रहे हैं, तो जो हेड होगा वो हो गया अनुकूल प्रकार, और जो टोटल केस है यानी हेड और टेल वो हो गए कुल प्रकार। इसको अंग्रेजी में हम प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस बटे टोटल केस भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को चाहे इंग्लिश में याद कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस बटे टोटल केस। फेवरेबल केस जो हमारे पक्ष में है, टोटल केस वे जो हमारे पक्ष में भी हों और हमारे पक्ष में नहीं भी हों, यानी कुल केस होने वाले भी और ना होने वाले भी। इसको हम देखिए संकेतिक भाषा में ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी पी ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। ई होती है इवेंट और एस होता है सैंपल स्पेस। इवेंट को हिंदी में बोलते हैं घटना, और सैंपल स्पेस को हिंदी में बोलते हैं प्रति दस समष्टि। तो प्रति दस समष्टि का मतलब क्या है कि उसके अंदर अवयवों की कुल संख्या। जैसे एक डाई है, डाई जो होती है तो उसमें कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी कि ये जो हो गया वो सैंपल स्पेस हो गया। क्या हो गया, ये सैंपल स्पेस, ठीक है। और इसमें मान लीजिए हम कहें कि सम अंक आना चाहिए, तो जो सम अंक है वो हो गई इसकी इवेंट, यानी 2 4 6। ये क्या कहलाएगी, इवेंट कहलाएगी, और ये कहलाएगा सैंपल स्पेस। और अगर हम इसमें एन लगा दें पीछे, क्या लगा दें, एन, तो ये कहलाती है इसके अंदर अवयवों की संख्या, यानी सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या। तो कितने इसमें गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो एन एस बराबर आ गया 6। अब हम एन ई की बात करें, तो एन ई का मतलब है जो इवेंट हुई है उसके अंदर अवयवों की संख्या। तो इवेंट कैसी थी, समांक आने की, तो समांक में क्या कितने एलिमेंट आए, 2 4 6, तो एन ई बराबर आ गया 3, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए, अब आगे हम, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप ये जो लाल रंग का बटन है इसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं जाता है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। बराबर में एक घंटे का बटन भी है, इसको भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जो नई वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये क्वेश्चन है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता है। निश्चित रूप से घटना, देखिए जब कोई घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, और जब वो निश्चित रूप से नहीं घटती तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। आप क्यों, जरा समझना। देखिए जैसे मान लीजिए शोले फिल्म आपने देखी होगी, तो शोले फिल्म में क्या होता है कि वो जो सिक्का जो उछालता है दोनों तरफ हेड होता है, तो यानी कि वो तो कैसे उछाले, हेड आने ही आना है। तो इस स्थिति में जो प्रायिकता हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। अब हम ये कहें कि एक पासा उछाला जाता है कि अंक 7 आने की प्रायिकता याद कीजिए, तो 7 तो कभी आ ही नहीं सकता पासे में, क्योंकि पासे में जो अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक होते हैं, और हम कह रहे हैं 7 आने की प्रायिकता याद कीजिए, तो 7 कभी भी नहीं आ सकता। तो उस स्थिति में जो प्रायिकता हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, यदि एक घटना के निश्चित रूप से घटित है तो इसकी प्रायिकता होगी, तो निश्चित रूप से घट रही है तो ये हो गई 1, क्योंकि उसमें जो आने ही आना निश्चित रूप से। मान लीजिए एक कॉइन है उसमें दोनों तरफ हेड लिखा, और हम कह रहे हैं कि हेड ही आने की प्रायिकता याद कीजिए, तो निश्चित रूप से घटेगी घटेगी, तो वो प्रायिकता होगी 1। निम्न में से, आप देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। अब आपको बता दें कि जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। किसके बीच में, प्रायिकता जो होगी पी वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी। यानी प्रायिकता जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो अब यहाँ पर देखो 0 से छोटी और 1 से बड़ी कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर हम देखेंगे निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता की नहीं हो सकती। अब देखिए यहाँ पर 2/3 है, तो 2/3 होगा, तो वो निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। 2/3 ये भी 1 से छोटी, यानी ये भी प्रायिकता हो सकती है। 0.7 ये भी प्रायिकता हो सकती है। 0.15 ये भी हो सकती है, लेकिन ये कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती। आप देखिए क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जो 1.5 है वो 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकती। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता हो सकती है। अभी हमने आपको बताया था, उसी के आधार पर आप इसका आंसर दे सकते हो। तो बताइए, देखिए कौन सी घटना प्रायिकता की हो सकती है। क्या ये हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस चिन्ह आ गया। क्या ये प्रायिकता हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से ज़्यादा हो गया।
क्या यह घटना हो सकती है? देखिए 18 छोटी संख्या ऊपर है नीचे है बड़ी, जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो वह हमेशा एक से छोटी आएगी, किससे छोटी आएगी, एक से छोटी। तो इसका मतलब ये प्रायिकता हो सकती है। क्या ये प्रायिकता हो सकती है? ये बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी संख्या जो है एक से बड़ी है, ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, जब भाग देंगे तो ये जो संख्या आएगी वो हमेशा एक से बड़ी आएगी, इसलिए ये प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समझेंगे क्वेश्चन को। यदि एक घटना के घटित होने की प्रायिकता P है तो उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता क्या है? अब आपको बता दें, हम किसी भी घटना के घटने, मान लीजिए P है घटना घटने की प्रायिकता और घटना न घटने की जो प्रायिकता है वो Q है, इनका जो टोटल होता है वो हमेशा 1 होता है। दोबारा समझे, किसी घटना के घटने और न घटने की प्रायिकता का जो जोड़ होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए, घटना घटने की प्रायिकता पी दे रखी है, तो घटना के न घटने की प्रायिकता हमसे पूछी है, तो घटना न घटने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पी को हम इधर ले जाएंगे, 1 - p, यानी कि टोटल प्रायिकता होती है 1। अगर हमें घटना घटने की प्रायिकता मालूम है और न घटने की निकालनी है तो उसे 1 में से माइनस कर देते हैं। ये क्वेश्चन है, एक लड़की की प्रकलित करती है कि एक मैच में उसके खेल जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो उसके खेल में हारने की प्रायिकता क्या होगी? यानी जीतने की प्रायिकता 0.01, हमने अभी आपको बताया था कि टोटल प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है, यानी कि पी जीतने की प्रायिकता है और क्यू क्या है? उसके हारने की प्रायिकता। टोटल कितना होता है इनका? 1 होता है। अब देखिए, जीतने की प्रायिकता कितनी है हमारे पास? 0.08, ठीक है। तो अब हारने की निकालनी है तो क्या करना, हमें 1 में से माइनस कर देना। तो 1 में से कैसे माइनस करेंगे, पहले लिखेंगे, देखिए ऐसे, कितना माइनस करना, 0.08, तो इसको माइनस करेंगे, 10 में से 8 गए 2 और ये बचा 9, कितने आ गए, 0.92। तो उसके हारने की प्रायिकता कितनी हो गई, 0.92। अब इसी को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप इसे जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में भी निकल के आ जाएगी। तो परसेंटेज में कितने परसेंट आ जाएगी, 12.92%, ठीक है। तो उसके हारने की प्रायिकता कितनी हो गई, 0.92। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दो मित्रों का जन्म, जो समझे देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, दो मित्रों का जन्म वर्ष 2000 में हुआ था, प्रायिकता याद कीजिए कि उनका जन्म एक ही है। आप जरा ध्यान देंगे, एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉन लीप ईयर, कैसा, एक लीप ईयर लीप ईयर और दूसरा होता है नॉन लीप ईयर। अब जरा इनको ध्यान से समझना, जो लीप ईयर होता है उसमें होते हैं 366 दिन और जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें होते हैं 365 दिन, ठीक है। यानी कि इसमें जो है 52 तो पूर्ण सप्ताह होते हैं और 2 दिन बचते हैं, 2 डेज, ठीक है। इसमें 52 पूर्ण सप्ताह होंगे और 1 दिन शेष बचेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे कहा दो मित्रों का जन्म जो है 2000 में हुआ, अब देखिए जो संख्या 4 से कट जाती है वो जो कहलाता है वो लीप ईयर कहलाता है, यानी कि उसमें जो होंगे कितने होंगे, 366 दिन होंगे। प्रकृत कीजिए कि उनका जन्म एक ही है, यानी एक ही दिन हुआ, तो 366 में केवल एक ही दिन जन्म हुआ, तो जो हम चाह रहे हैं फॉर्मूला क्या प्रायिकता का, हमने अभी फॉर्मूला बताया प्रायिकता का, PE बराबर NE/NS, ये बताया, ठीक है, PE = NE/NS। जो हम चाह रहे हैं वो कितना है, केवल एक है, और टोटल कितने दिन है, 366, यानी एक ही दिन जन्म हुआ वो 1 हो गया और टोटल दिन कितने हैं, 366, तो प्रायिकता कितनी होगी, 1/366। समझ आया ये? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द अपाला से एक अक्षर चुना जाता है, अक्षर ए के चुनने की प्रायिकता याद कीजिए, तो फॉर्मूला क्या बताया हमने प्रोबेबिलिटी का, PE, एक ही फॉर्मूला है, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, या शॉर्टकट में इसको ऐसा लिख सकते हैं, PE = NE/NS, ठीक है। ई का मतलब इवेंट, एस का मतलब सैंपल स्पेस, और ई का मतलब उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो हम यहाँ पर देखिए अपाला में कितने वर्ड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ड है, ठीक है, और हमें क्या निकालना, वर्ड ए की प्रायिकता निकालनी है, तो ए कितने बार आया हुआ, 1, 2, 3, 4, यानी जो हम चाह रहे हैं वो कितना है, 4। अब टोटल कितने हैं, टोटल नीचे लिखने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल है 6, अब इसको काट देंगे, देखिए 2 × 4, 2 × 3, 6, तो प्रायिकता कितनी आ गई, 2/3, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता याद कीजिए। अब देखिए जब हम 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस का मतलब प्रतिदर्श समष्टि, 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो ये होगा, हेड हेड हो सकता है, ठीक है,
एक हेड एक टेल हो सकता है, एक टेल एक हेड हो सकता है, या दोनों में टेल टेल हो सकता है। ठीक, तो इसका एनएस कितना हो गया? एनएस का मतलब सैंपल स्पेस में अवयव की संख्या। गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो एनएस बराबर हो गया 4। अब देखो इसमें इवेंट क्या होगी, इवेंट पहले निकालिए। इवेंट का मतलब जो हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं अधिक से अधिक एक पट, यानी अधिक से अधिक एक पट, एक तो ये हो गया एक ये हो गया। देखिए एक बात बता दें, पट ये होता चित पट, पट का मतलब टैल, अधिक से अधिक एक टैल निकालना। ठीक है, तो एक टैल इसमें है, एक टैल इसमें, और अधिक से अधिक कह रहा यानी कोई भी नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के इवेंट क्या हो गई, वो इवेंट हो गई एच 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 टी और टी एच। ठीक है, अब इसमें एन लगा देंगे, एन का मतलब हो जाएगा इसके अंदर अवयव की संख्या। तो एन अवयव की संख्या कितनी होगी, 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फॉर्मूला क्या प्रोबेबिलिटी का, पी ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। ठीक है, और ई बराबर कितना है, 3, और एन एस बराबर कितना, 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की फेंक में विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे की फेंक में विषम संख्या, तो पहले आपको बता दें कि जो पासा होता है उसमें क्या होता है, एक होता है, दो होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6। ठीक है, ये तो हो गई इसकी इवेंट। अब इसमें निकालनी संख्या, संख्या निकल लगा लेकिन एन लगा देंगे पीछे, तो एन एस कितना हो जाएगा, गिन लीजिए इसमें कितने, 6। अब हम कैसी इवेंट चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कैसा अंक आना चाहिए, इवेंट ऐसी है कि एक पासे को फेंक में विषम संख्या आनी चाहिए। तो इसमें विषम संख्या है वो छांट लीजिए, विषम संख्या 1 है, 3 है और 5। देखिए ये हो गई विषम संख्या की इवेंट। अब इसमें निकालनी संख्या, संख्या से मतलब एन ई, एन का मतलब होता है उसके अंदर अवयव की संख्या। तो अवयव की संख्या कितनी है इसके अंदर, 3। अब हमें क्या निकालनी प्रोबेबिलिटी विषम संख्या आने की, तो फॉर्मूला होता है प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, या तो आप पूरा फॉर्मूला लगा दें या शॉर्ट फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई कितना है, देखिए अभी हमने निकाला है एन ई, 3, और कितना है एन एस, 6, काट देंगे, 3 × 3 = 6। तो प्रायिकता कितनी आ गई, 1/2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है, तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तब कोई चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए तीन सिक्कों के उछाल में सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहले तो हम ये लिख लेते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तीन सिक्के उछालेंगे, पहले 2 हेड 3 हेड फिर 2 हेड। 2 हेड कैसे कैसे हो सकते हैं, 1 2 HT और THH और TH और क्या हो सकता है, 2 हेड। अब एक हेड कैसे हो सकता है, HTT और THT और TTH और 3 और 10। देखिए ये जो है कुल केस हो सकते हैं तीन सिक्कों के उछाल में, यानी तीन सिक्कों के उछाल में कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे तीन सिक्के हैं तो एक सिक्के में 2 केस होते हैं, दूसरे में भी 2 होंगे, तीसरे में भी 2, तो कुल केस कितने हो गए, 8। तो ये जो कुल केस है हम जो है डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो अब इसे हो गया सैंपल स्पेस। तो एन एस कितना हो गया, इसके अंदर अवयव की संख्या कितनी होगी बताइए, 8। अब देखो इवेंट चाहिए हमें, क्या चाहिए, तीन सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है तब कोई चित्र न प्राप्त हो। तो कोई भी चित्र न प्राप्त हो यानी हेड प्राप्त ना हो, तो भाई कोई भी हेड किसमें प्राप्त नहीं हो रहा, केवल ये वाला केस ऐसा जिसमें कोई भी हेड प्राप्त नहीं हो रहा। तो कितने केस हैं बताइए जरा, केवल एक केस है, कितने केस हैं, केवल एक केस है, यानी एन ई बराबर हो गया 1, जब एक भी हेड ना हो, बाकी समय देखिए कम से कम एक हेड है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, यानी कि एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई कितना है, 1, और एन एस कितना हो गया, 8। तो प्रायिकता कितनी होगी, 1/8। अब देखिए क्वेश्चन और यहाँ पे है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो एक दिक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। यहाँ दिक का मतलब क्या, दिक का मतलब यह है कि पहले पासे में भी वही नंबर आना चाहिए और दूसरे पासे में यही नंबर आनी है, अगर पहले पासे में एक आता तो दूसरे में भी एक आना चाहिए। तो ऐसे कितनी घटना है ये हमें बताना। तो पहले मैंने अभी आपको बताया था कि एक पासे में जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 से 6 तक नंबर होते हैं, और जो दूसरा पासा होगा उसमें भी 1 से 6 तक होंगे। तो हम एन एस डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एन एस कैसे निकालेंगे, पहले पासे में 6 होंगे, दूसरे पासे में 6 होंगे, इनकी आपस में गुणा हो गई 36, यानी एन एस बराबर हो गया 36, यानी कुल प्रकार जो हो गए वो 36 हो गए। अब क्या करना हमें,
दो पास एक साथ फेंके जाते हैं, दिक् प्रांत होना चाहिए, यानी पहले पास में भी वही नंबर आना चाहिए, दूसरे में भी। अब देखो इसकी इवेंट क्या होगी, यानी पहले पास में वही नंबर आना चाहिए, यानी कि पहले पास में एक आया तो दूसरे में भी एक आना चाहिए, पहले पास में दो आया तो दूसरे में भी दो आना चाहिए, पहले पास में तीन आए तो दूसरे में भी तीन, पहले पास में चार आए तो दूसरे में भी चार तीन, और पहले पास में पाँच आए तो दूसरे में भी पाँच, और पहले पास में छः आए तो दूसरे में भी छः। तो इनको हम बोलते हैं दिक्। तो कितनी घटनाएं ऐसी, एक दो तीन चार पाँच छः। तो यहाँ पे एन ई बराबर कितना हो गया, ये हो गया छः। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी पी ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एन ई की वैल्यू रख दीजिए, एन ई कितना निकाला हमने, छः, और एन एस कितना, छत्तीस, भाग दे दीजिए छः छः छत्तीस, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, एक बटे छः। समझ आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो क्वेश्चन है, संख्या इतने को एक संख्या यथेच्छ चुनी जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, चुनी गई संख्या माध्य है। तो पहले इनका माध्य निकालेंगे, माध्य निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला दिए गए आंकड़ों का जोड़, दिए गए आंकड़ों को अगर हम जोड़ें तो इन सबका जो टोटल आएगा वो 70 आएगा। अब कितनी संख्या, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और दस से इसको भाग देंगे तो दस सत्ते 70, यानी अंक सात आने की प्रायिकता निकाल ली। तो अंक सात कितने बार आया जरा गिन लीजिए, यहाँ पे एक दो तीन, यानी कि जो हम चाह रहे हैं वो इवेंट क्या है, तीन है, यानी कि एन ई बराबर कितना है, तीन। देखिए कितने बार आया हुआ सात, एक दो तीन बार आया हुआ, और टोटल कितने हैं, एन एस कहलाता है टोटल। तो टोटल कितने गिन लो, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तो एन एस बराबर हो गया 10। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस, यानी कि 3/10 इसका आंसर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, एक अधिवर्ष में 53 रविवार प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी हमने पीछे आपको बताया था कि जो अधिवर्ष का मतलब है लीप ईयर, क्या है अधिवर्ष का मतलब, लीप ईयर। तो लीप ईयर का मतलब जिसमें 366 दिन हों, तो 366 लीप ईयर में क्या होता, 366 दिन होते हैं, कितने 366 डेज। ठीक है, अब इसमें जो है 52 तो पूर्ण सप्ताह होते हैं और दो दिन बचते हैं। अब देखो दो दिन जो बचते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, दो दिन जो बचेंगे उसके सैंपल स्पेस क्या होगा जरा समझेंगे, उसका सैंपल हो स्पेस होगा संडे मंडे हो सकते हैं, ठीक है, और क्या हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, और ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, और वेंसडे थर्सडे हो सकता है, और थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, और फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे हो सकता है, क्या हो सकता है, सैटरडे संडे। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है संडे कितने में आया हुआ, एक तो पहली बार में आया हुआ संडे, और एक लास्ट में आया हुआ, कितनी जगह आया हुआ संडे, केवल दो में आया हुआ, पहला संडे और लास्ट में संडे, यानी कि पहले तो इसमें एन एस निकाल लो, तो एन एस बराबर हो गया 7। अब हम जो चाह रहे हैं कि संडे आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रविवार, तो रविवार कितने में आया हुआ, देखिए एक यहाँ पर संडे मंडे में और सैटरडे संडे में, यानी कि दो बार रविवार आया हुआ है, तो एन ई बराबर कितना हो जाएगा, एन ई बराबर हो जाएगा 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस, फॉर्मूला क्या है, एन ई अपॉन एन एस, तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/7, ये इसका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में आपके जो फ्रेंड हैं उनको व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर भी कीजिए। तो अगली वीडियो के लिए आप SP मैथ्स चैनल पर बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।